अक्टूबर 2018 के इस ट्वीट को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी श्री जीडी अग्रवाल जी के देहांत पर कॉन्डोलेंसेस दे रहे हैं। इन्हें स्वामी सानंद करके भी पुकारा जाता था। 2012 के इस ट्वीट को देखकर हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी इन्हें बहुत लंबे समय से जानते थे। लेकिन कौन थे ये इंसान और कैसे इनकी मृत्यु हुई? ये एक फॉर्मर IIT के प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और एक हिंदू साधु थे। 2018 में ये एक आमरण अनशन पर बैठे थे, अ फास्ट अनटू डेथ। इनकी चार डिमांड्स थी ताकि हमारी माँ गंगा नदी साफ हो सके, एक अविरल निर्मल गंगा बन सके। इसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठियां भी लिखी थी। एक RTI रिप्लाई से हमें पता चलता है कि PMO ने उन चिट्ठियों को रिसीव भी किया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। स्वामी सानंद 111 दिन तक अनशन पर बैठे, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। 111 दिन प्रधानमंत्री मोदी का मुंह तक नहीं खुला। एक हिंदू संत की मृत्यु का पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी मोदी को महसूस नहीं हुआ। लेकिन मोदी भक्तों के हिसाब से नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट है। मटन और मछली खाने पर ये एतराज जताते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा उस कंपनी से लेते हैं जो देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है हलाल बोनलेस बफेलो मीट की। 2015 में भी BJP ने 2.5 करोड़ चंदा लिया था ऐसी कंपनी से। दोस्तों, कब खोलोगे अपनी आंखें?